हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ की फैक्टर। लास्ट क्लास में हमने की फैक्टर के बारे में चर्चा की थी और पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। आज हम की फैक्टर पे बेस सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं की फैक्टर के क्वेश्चन से। ठीक है गाइस, चलिए प्लीज आप अपनी बुक्स में देखिए और बुक्स में आप ओपन करेंगे पेज क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 269, क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 269। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है भाई, देख पा रहे हैं क्वेश्चन? देखिए फिर से देखिए, पेज नंबर 269, क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ द बुक। द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी। पर यूनिट दे रखा हमें दो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। सेलिंग प्राइस दे रखा पर यूनिट प्रोडक्ट ए 100 रुपीज, प्रोडक्ट बी 120 रुपीज। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट ए 2 kg, प्रोडक्ट बी 3 kg। मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज 15 रुपीज पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 15 रुपये और 10 रुपये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5 रुपीज एंड 6 रुपीज पर यूनिट। आगे क्वेश्चन कहता है, मशीन आर यूज्ड 3 hours फॉर प्रोडक्ट ए एंड 2 hours फॉर प्रोडक्ट बी। ओवरहेड एक्सपेंसेस फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपीज 10 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड 15 और 20। डायरेक्ट वेजेस पर आवर 5 रुपीज। ओके, क्वेश्चन का पहला पार्ट, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल व्हेन। टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड, टोटल सेल पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आर इज द लिमिटिंग फैक्टर। यानी अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में उसने हमें एक दो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ओके, अब उससे रिलेटेड वो पूछ रहा है कि आप हमें बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड। मतलब अगर टोटल सेल यूनिट में लिमिटेड हो यानी की फैक्टर हो, टोटल सेल वैल्यू में की फैक्टर हो, अगर रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई यानी रॉ मटेरियल की फैक्टर हो, या फिर मशीन आवर की फैक्टर हो, तो यानी इन आधार पर हमें ये डिसाइड करना है कि ए और बी में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए गाइस, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है जी, चलिए लेट स्टार्ट। अब देखिए ध्यान से, हमें दो प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट ए और यहां हमें गिवन है प्रोडक्ट बी। एवरीबॉडी प्लीज फोकस। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से जो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ये वर्किंग नोट तैयार कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो आप देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है हमें ₹100 और इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है 120। ठीक है गाइस, अब अगर मैं इसमें से लेस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, क्या लेस कर दूं गाइस, वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मिल जाएगा हमें? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। आई होप मेरी बात क्लियर है। अब आप जानते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किन चीजों से मिलकर बनती है, तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड। अगर हम इन चारों को जोड़ दें तो द रिजल्टेंट आंसर इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है गाइस, तो अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें,
हमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 10 रुपीज़। चेक कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपीज़, रुपीज़ में लेना है। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट हम ए की बात कर रहे हैं, फिर से सुनिए, प्रोडक्ट ए के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है प्रोडक्ट ए की 10 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दे रखी है 15 रुपीज़, ठीक है भाई। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 5 रुपीज़। गाइस क्लियर है? अब नीचे आइए और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे 15 रुपीज। तो अगर मैं इन चारों का सम कर दूं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है 45। चेक कर सकते हैं आप कितनी आई है, 45। एक बार फिर से, 45 कैसे आया? इसके अंदर हमने जोड़ा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 15, 25, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5, 30 प्लस वेरिएबल ओवरहेड 15, ठीक है। अब आप ऐसे ही निकालेंगे प्रोडक्ट बी के लिए, किसके लिए निकालेंगे, प्रोडक्ट बी के लिए। चलिए देखते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 15 रुपये प्लस डायरेक्ट वेजेस 10 रुपये प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 रुपये 31 और वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपीज, ठीक है जी। तो इसका टोटल आ गया 51, ठीक है गाइस। चलिए अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस है, प्रोडक्ट बी का सेलिंग प्राइस है, हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये आया 69 और ये आ जाएगा हमारे पास 55। तो हमें दोनों का कंट्रीब्यूशन मिल गया पर यूनिट। अब इसका करेंगे क्या वो बाद में सीखेंगे, तो पहले हमने पहली इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अब इसी में हम निकाल लेते हैं पीवी रेशियो। जैसे कि आप जानते हैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है भाई। तो आप देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है 55, सेलिंग प्राइस कितना है 100 इनटू 100, तो इसकी पीवी रेशियो हो गई 55%, ठीक है। बी के लिए निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन 69, सेलिंग प्राइस 120 इनटू 100, तो 69 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100 तो ये आ जाती है 57.5%। ये हमने दूसरी कैलकुलेशन की, तो पहली कैलकुलेशन हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया और दूसरी कैलकुलेशन में हमने पीवी रेशियो निकाल लिया, ठीक है भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, ठीक है। अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी है, अब हमारे पास पीवी रेशियो भी है। अब हम निकालेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी शॉर्ट सप्लाई में है तो हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम लेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड कर देंगे रॉ मटेरियल पर यूनिट, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, देखिए आप, हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन था 55 अपॉन पर यूनिट। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है भाई। यहां था 69 और यहां पर लगता है 3 kg। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 55 यह हो गया 27.5 पर kg कंट्रीब्यूशन और ये आ गया 23 रुपीज पर kg।
ये हमें मिल गया सी पार्ट। कोई टेंशन गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए अब एक और आखिरी पॉइंट और चाहिए हमें, उसके बाद हम आंसर दे पाएंगे। इसने बोला है जो मशीन आवर है वो भी की फैक्टर है, तो हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आवर्स। सेम तरीका, हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंगे और उसे मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखिए, प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 55 दे रखा है हमें, कम ऑन। अब आप क्वेश्चन में देखिए, उसने लिखा है प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में मशीन को 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स। क्वेश्चन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं, इसका 69 कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और इसमें आवर लगते हैं 2। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 18.33 पर आवर और ये 34.5 पर आवर्स। तो गाइस ये रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास आ गया। हमने ऐसा क्यों करा? हमने इसलिए ऐसा करा क्योंकि क्वेश्चन का पहला पार्ट वो कह रहा है कि अगर टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड तो आप हमें बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा एक तरह से वर्किंग नोट तैयार हो गया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। चलिए ग्रेट, आइए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप अभी तक हमने क्या किया। ओके, अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टोटल सेल पोटेंशियल इज यूनिट इज लिमिटेड। देखिए अब सुनिए, लास्ट क्लास में हमने आपको एक टेबल बताई थी, अब एक फिर से बता देते हैं। अगर टोटल सेल पोटेंशियल यूनिट में लिमिटेड हो, अगर टोटल सेल पोटेंशियल यूनिट में लिमिटेड हो तो हम डिसीजन लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट के आधार पर, यानी जिस प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्लियर है? तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, इफ यू सी एट द क्वेश्चन, आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन है 55, प्रोडक्ट बी का कॉन्ट्रीब्यूशन है 69। हाँ जी, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है? बी का। तो हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट बी है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर सेल इन यूनिट्स इज अ की फैक्टर। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इसको आंसर देंगे। इफ इफ टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट्स इज लिमिटेड, इफ टोटल सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड देन प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल एज इट हैज हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज ₹69। नाउ दिस इज द आंसर जो वो हमसे पूछ रहा है कि अगर सेल पोटेंशियल इन यूनिट इज लिमिटेड देन प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल एज इट हैज हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज ₹69। चलिए ए पार्ट का आंसर हमारा हो गया, ए पार्ट में पहला। अब वो कह रहा है दूसरा, अगर टोटल सेल पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड, तो समझ लीजिए अगर टोटल सेल पोटेंशियल वैल्यू में लिमिटेड है रुपीज में, तो हम दोनों प्रोडक्ट की पीवी रेशियो देखेंगे
और जिस प्रोडक्ट की पीवी रेशियो हाईएस्ट होगी वही हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो चलिए एक बार फिर से आप देख सकते हैं, मैं आपको पुरानी स्क्रीन पे ले चलूं, तो आप देख सकते हैं पीवी रेशियो, गाइस इसकी पीवी रेशियो 55% है ए की और बी की पीवी रेशियो 57.5% है। तो हमारे लिए अगेन प्रोडक्ट बी इज व्हाट मोर प्रॉफिटेबल, तो बी का पार्ट लिखेंगे। इफ टोटल सेल पोटेंशियल इन वैल्यू इज लिमिटेड देन प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल सिंस इट हैज हायर पीवी रेशियो। बस ये हमें आंसर देना है, ठीक है गाइस। आई होप आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट। वो कह रहा है जी रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, तो हम जानते हैं अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई यानी अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हमारा डिसीजन होता है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होता है डिसीजन? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जिस प्रोडक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल हाइएस्ट होगा वही हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। चलिए एक बार फिर से पुरानी स्क्रीन पे देखते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल ए का कितना है 27.5 और बी का कितना है 23। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ए का कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज हाइएस्ट, हेंस इट इज मोर प्रॉफिटेबल। चलिए तो आप लिख दीजिए इफ रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई यानी के की फैक्टर देन प्रोडक्ट ए इज मोर प्रॉफिटेबल सिंस इट हैज हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 27.5 पर केजी। This is what the question required the answers. ठीक है जी, दो पार्ट हो गए, तीन पार्ट, चौथे पार्ट में कहता है if production capacity in terms of machine hour is limiting factor, तो आपको पता है अगर machine hour limiting factor है तो हम निकालेंगे raw material per unit of machine hours और जिसका ज्यादा होगा वही profitable है। तो एक बार फिर से पुरानी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं raw material per unit of machine hour 18.33 रुपये 34.50 रुपये पर आर, तो प्रोडक्ट बी इज व्हाट मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है भाई, चलिए तो इस बात को लिख देंगे हम। नाउ फोर्थ पार्ट, इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी is the limiting factor then product B 34.5 per hour then product B is more
प्रॉफिटेबल सिंस इट हैज हायर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आवर्स दैट इज रुपीज 34.5 पर आवर। ओके गाइस, तो एज यू सी क्वेश्चन नंबर 38 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने दे दिया। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे। अज्यूमिंग रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर, नाउ यहां उसने क्लियर कर दिया। वो कह रहा है जी आप अज्यूम कर लो कि जो रॉ मटेरियल है ना वो की फैक्टर है। ठीक है जी, अज्यूम कर लिया। अवेलेबिलिटी ऑफ विच 10,000 kg, यानी हमारे पास जो रॉ मटेरियल मैक्सिमम अवेलेबल है वो केवल 10,000 kg है। एज यू कैन सी एन ईच प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड मोर देन 3500 यूनिट्स, और कोई भी प्रोडक्ट की 3500 से ज्यादा यूनिट हम सेल आउट नहीं कर सकते। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्ट ए की 3500 यूनिट बनाने की, प्रोडक्ट बी की 3500 यूनिट बनाने की। ओके, फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स विच विल यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कह रहा है वो प्रोडक्ट मिक्स बताइए जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे, यानी आप हमें बताइए कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में हम किस प्रोडक्ट को पहले बनाएं और कितनी यूनिट बनाएं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ओके गाइस, चलिए आपको याद होगा जब हमने की फैक्टर बताया था आपको, तो हमने बताया था आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए, कि जब भी की फैक्टर का सम होगा, कम ऑन एवरीबॉडी, तो हमें दो स्टेटमेंट बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है गाइस, तो बी पार्ट एग्जैक्टली वही है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट। लेट स्टार्ट द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग्स। ठीक है जी, ये आपको बनानी बनानी है। सो वी गॉट प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। कम ऑन गाइस, सबसे पहले हमारे पास है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप देख सकते हैं 100 rupees और 120 rupees। इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हम निकाल चुके हैं 45 rupees 51। गाइस ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो हमें मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 55 rupees और 69 rupees। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात फिर से। क्योंकि रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो इसलिए कभी भी डिसीजन इस पर नहीं होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन 55 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक यूनिट को बनाने में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं प्रोडक्ट ए में लगता है 2 kg, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 2 kg और 69 डिवाइडेड बाय 3 kg। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया रुपीज 27.5 पर kg। और 23 पर kg। ठीक है भाई, अब हम देंगे रैंक। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है ए का, तो दैट इज विल बी गिवन रैंक 1 और बी को दी जाएगी रैंक 2। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तैयार हो गई स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग।
सर इसका क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ गाइस, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है, एग्री, तो अगर मैं ए में रॉ मटेरियल लगाऊं तो 1 kg रॉ मटेरियल पे मुझे 27.5 रुपीस की अर्निंग होगी, जबकि अगर मैं वही 1 kg रॉ मटेरियल बी पे लगाऊं तो मुझे 23 रुपीस पर केजी की अर्निंग होगी, क्योंकि 1 kg पर मुझे 27.5 ए में ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं पहले ए को बनाऊंगा। क्लियर है गाइस? यानी आप पहले प्रोडक्ट ए बनाएंगे फुल कैपेसिटी, अगर बच जाए तो फिर हम बी बनाएंगे। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है, ठीक है गाइस? तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। अब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। चलिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। यही उसने हमसे पूछा है कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिस पर हमें हाईएस्ट प्रॉफिट हो। तो सबसे पहला काम, आप पहली हेडिंग डालेंगे प्रोडक्ट, पहला कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम बनाएंगे यूनिट्स, तीसरा कॉलम मटेरियल यूटिलाइज्ड, चौथा कॉलम बैलेंस मटेरियल, पांचवा और आखिरी कॉलम कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, हमेशा कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस लेट स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहला काम, आप प्रोडक्ट को प्रायोरिटी में लिख देंगे, प्रायोरिटी मतलब रैंकिंग। तो आप देख सकते हैं हमने रैंक वन किसे दिए, ए को, रैंक बी किसे दिए, बी को। तो चलिए, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ए बनाएंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट बी बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए अब देखिए, हम ए की मैक्सिमम 3500 यूनिट बना सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में अगर आप देखें ए की एक यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल लगता है गाइस, तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या जितना मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है क्या उसमें प्रोडक्ट ए पूरा पूरा बन सकता है। आंसर इज यस। देखिए क्वेश्चन ने बोला है हमारे पास 10,000 kg रॉ मटेरियल है, तो अगर मैं ए की 3500 यूनिट बनाऊं, एक यूनिट में 2 kg लगेगा, तो 3500 यूनिट में इंटू 2 7,000 kg लगेगा। कम ऑन, माइंड में रखिएगा हमारे पास कितना है 10,000, इसका मतलब हमें पूरा पूरा बना सकते हैं। यस, तो 10,000 में से 7,000 kg ए में लग गया, बैलेंस कितना बचा 3,000 kg। ध्यान रहे हम ए 3500 से ज्यादा नहीं बना सकते क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर बोला है। फिर से मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, Each product cannot be sold more than 3500 units. मतलब उसकी फुल कैपेसिटी कितने की है 3500 यूनिट्स की। तो हमने ए पूरा बना दिया। अब गाइस क्या ए पूरा बनाने के बाद भी हमारे पास मटेरियल बच गया? आंसर इज यस। तो अब हम बी बनाएंगे। सर कितना बनाएंगे? याद रखना उतना बनाएंगे जितना 3000 में बन जाए। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, बी में 1 kg में लगता है 3 kg एक यूनिट बनाने में। तो यहां देखिए हमारे पास 3000 kg बचा हुआ है, एक यूनिट में 3 kg लगता है, तो हम जानते हैं हम मैक्सिमम 1000 यूनिट बना सकते हैं। कितनी यूनिट बना सकते हैं गाइस? 1000। तो चलिए, तो मटेरियल यूटिलाइज 1000 × 3 दैट इज 3000 kg, बैलेंस क्या आया? निल। तो ये हमें पता चल गया। तो हमें ये पता चल गया कि हम लिमिटेड मटेरियल से ए की 3500 यूनिट बनाएंगे और बी की केवल 1000 यूनिट बनाएंगे। आई होप आप यहां तक क्लियर है। अब हम यहां निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। चलिए हमने ए की कितनी यूनिट बनाई गाइस? 3500 यूनिट फिनिश। एक यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन कमाया हमने ए का? देखेंगे ध्यान से, ये रहा 55 और बी का 69। तो 55 तो 3500 × 55
1,92,500 रुपीज़। ये हमारा एक का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बी का, बी की हमने 1000 यूनिट बनाई है, एक यूनिट में हमारे पास कंट्रीब्यूशन था 69 का, इनटू 69 तो ये हो गया 69,000। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस 69, 2,61,500। गाइस यहां तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अब देखिए ध्यान से, फिक्स कॉस्ट अगर आप देखें हमें दे रखा है, प्रोडक्ट ए 5 रुपीज और प्रोडक्ट बी दैट इज 10 रुपीज। तो चलिए, तो प्रोडक्ट ए की 3500 यूनिट बनाई, एक का 5 रुपये प्लस प्रोडक्ट बी। अब सुनिए गाइस, आपने प्रोडक्ट बी की 1000 यूनिट बनाई है तो आप फिक्स कॉस्ट 1000 पे नहीं लोगे। याद रखना, यूनिट चेंज होने पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल कैपेसिटी पे निकलती है। और हम बी की भी, हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है 3500 यूनिट की ही। भले ही हमने 1000 बनाई है क्योंकि मटेरियल नहीं था, पर उसकी वजह से हमारी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो पर यूनिट कितना है 10 रुपीज, ठीक है भाई। तो 3500 इंटू 15 ये आ गया 52,500। नाउ वी आर लेफ्ट विथ प्रॉफिट। टू 61,500 माइनस 52,500, 2,09,000, 2,09,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कम ऑन गाइस, सो दैट वॉज द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसने कहा था कि आप हमें वो प्रोडक्ट मिक्स बताइए जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यील्ड करेगा, तो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन हैव। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आया होगा। चलिए, सो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर है 262। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 262। देखिए गाइस बहुत ध्यान से, लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट, द बजटेड क्वांटिटी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कॉस्ट आर एज अंडर। कह रहा है जी, एक कंपनी जो है वो 3 प्रोडक्ट बनाती है जिसकी डिटेल हमें गिवन है, प्रोडक्ट ए बी और सी। देखिए, रॉ मटेरियल एट द रेट 20 रुपीज पर केजी, तो ए में लगता है 80 रुपये का, बी में 40 रुपये और सी में 20 रुपये। तो अगर मैं यहीं से बोल सकता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रोडक्ट ए है उसमें 4 kg रॉ मटेरियल लग रहा है, प्रोडक्ट बी में 2 kg लग रहा है, प्रोडक्ट सी में 1 kg। ठीक है, कैसे आया? बहुत सिंपल सा रूल है यार, कि अगर 80 रुपये का मटेरियल लग रहा है और 1 kg 20 रुपये का है तो 4 kg तो हुआ 80 / 20। ठीक है गाइस, ओके। फिर हमें डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स दे रखा है, मतलब एस्टिमेटेड कि हम ए की 6400 यूनिट बनाएंगे, बी की 3200 और सी की 2400। सेलिंग प्राइस दे रखा है 140, 120, 90। नाउ कहता है प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन का पहला पार्ट, आप हमें सिर्फ प्रॉफिट की एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो। ठीक है गाइस, चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का, उसमें हमसे बोला है स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट, तो हमें ये बनाना है। तो देखेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट।
तीन प्रोडक्ट है हमारे पास, ए बी सी, एक कॉलम डाल लीजिए टोटल का। गाइस हमें प्रॉफिट तक पहुंचना, और आप जानते हैं प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ए में देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है 140 रुपीज़, बी में देखिए 120 रुपीज़, और सी में दे रखा है 90 रुपीज़। अब अगर मैं इसमें से लेस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है गाइस, तो आप देखिए फिर से वेरिएबल कॉस्ट किस चीज़ से मिलकर बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है भाई, तो आप ए में देखिए, और अगर आप देखें ध्यान से तो ए का मटेरियल 80 रुपये का पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस 5 रुपये और वेरिएबल ओवरहेड 10 रुपये, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 95 रुपीज़ ए में। उसी तरह बी में देखेंगे ध्यान से, 40 रुपये प्लस 15 और प्लस 30, 85 रुपीज़, ठीक है। सी में ये आ गया, सी में 50 रुपीज़। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हमें मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है गाइस, 140 माइनस 95 इक्वल टू 45 रुपीज़, माइनस 85 ये हो जाएगा 35 रुपीज़, 40 रुपीज़, ठीक है भाई। देखिए ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। अब क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, अगर मैं इसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, तो यहां से देखिए टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 45 इनटू बजटेड यूनिट कितनी है ए की, 6400, तो ये हो गया 2,88,000। कम ऑन, 35 × 3200, 1,12,000, और 40 × 2400, 96,000। तीनों का सम कर देते हैं, 96 प्लस 1,00,000 प्लस 2,88,000, 4,96,000। अब गाइस इसमें से आप लेस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट, तो देखिए अगेन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, तो हम इसे इनटू कर देंगे बजटेड यूनिट से, ठीक है गाइस। तो ए की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है 9 रुपये, इसकी यूनिट है 6400, तो ये हो गया 57,600। देन 22 रुपीज़ इंटू 3200, 70,400, और 2400 इंटू 18, 43,200, इसका सम कर दीजिए, 1,71,200 प्रॉफिट, 4,96,000, 4,96,000 माइनस 1,71,200, 3,24,800, 3,00,000। ये आ गया गाइस पहले पार्ट का आंसर, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस लिया तीनों का,
उसमें से माइनस करा वेरिएबल कॉस्ट, तो आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसे यूनिट से इंटू कर दिया तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी तो हमें प्रॉफिट आ गया। ठीक है, चलिए गाइस पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, दैट वाज अ सिंपल पार्ट। ओके सेकंड पे आते हैं, कहता है सेट ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड डिटरमिन द प्रॉफिट इफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 18,400 kg। अब गाइस क्योंकि उस क्वेश्चन में सप्लाई जो दे रखी है वो 18,400 kg है, मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो ये की फैक्टर का सम हो गया, और की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल। चलिए लेट स्टार्ट। अब सेकंड पार्ट, आपको पता होना चाहिए जब भी की फैक्टर का क्वेश्चन होता है तो हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, पहला स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। तो चलिए पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग्स। प्रोडक्ट है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, वी हैव गॉट थ्री प्रोडक्ट, ए बी और सी। ठीक है भाई, अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आप देख सकते हो 45, 35, 40। गाइस फिर से, क्योंकि रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, रॉ मटेरियल से। तो आप देख सकते हैं 45 डिवाइडेड बाय 4 केजी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 4 कैसे आया, क्वेश्चन ने लिखा है कि जो प्रोडक्ट ए है उसकी एक यूनिट बनाने में 80 रुपए का मटेरियल लगता है और 1 kg मटेरियल 20 रुपए का है, तो इसका मतलब अगर मैं 80 को 20 से डिवाइड कर दूं तो ए की एक यूनिट बनाने में 4 kg मटेरियल लगता है। कम ऑन एवरीबॉडी, सिमिलरली 35 डिवाइडेड बाय 2 kg और 40 डिवाइडेड बाय 1 kg। ठीक है, तो 45 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 11.25 पर kg। ₹17.5 पर kg, ₹40 पर kg, आप देख सकते हैं। अब हम इसे देंगे रैंक, रैंक, कम ऑन गाइस, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल सी का है, तो ये आ गया फर्स्ट रैंक, इसको सेकंड रैंक और इसको थर्ड रैंक, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। ठीक है गाइस, यानी आप देख सकते हैं हम सबसे पहले सी बनाएंगे, उसके बाद बी बनाएंगे, और अगर मटेरियल बच गया तो ए बनाएंगे, सर मटेरियल नहीं बचा तो नहीं बनाएंगे, एज सिंपल एज दैट। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है, तो पहले पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं गाइस। तो जब भी की फैक्टर का क्वेश्चन आएगा आपको पहला बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है गाइस, तो सबसे पहला कॉलम आप लेंगे प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम यूनिट्स,
तीसरा कॉलम मटेरियल यूटिलाइज्ड, चौथा कॉलम बैलेंस मटेरियल, और पांचवा और आखिरी कॉलम कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट को आप प्रायोरिटी में लिखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं रैंक वन किसको मिली है, सी को, फिर बी और फिर ए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट, सी बी ए, हम सबसे पहले सी बनाएंगे। नाउ अब अगर आप क्वेश्चन में देखें, हम सी की मैक्सिमम कितनी यूनिट बना सकते हैं, 2400 यूनिट। एक यूनिट बनाने में 1 kg मटेरियल लगता है, तो 2400 × 1 तो ये हो गया 2400 kg। याद रखना हमारे पास 18400 kg है, उसमें से 2400 यूज हो गया, तो बैलेंस बचा 16000 kg। ठीक है भाई, अब हम 16000 kg में से बनाएंगे कितना, बी। सर बी की हम कितनी यूनिट बना सकते हैं, 3200 यूनिट बना सकते हैं। एक यूनिट बनाने में 2 kg लगता है, तो 3200 में 64 kg लगा। ठीक है भाई, तो बैलेंस बच गया 9600 kg। आई होप मेरी बात क्लियर है बिल्कुल। अब जो मटेरियल हमारे पास बचा है हम उससे बनाएंगे ए। ध्यान रहे ए की हम फुल यूनिट नहीं बना सकते, सर उतनी बनाएंगे जितनी मटेरियल से बन सकती हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से, हमारे पास 9600 kg मटेरियल है, एक यूनिट में 4 kg बनता है, तो टोटल 2400 यूनिट ए की बनेंगी। तो 2400 × 4 9600 kg, बैलेंस इज निल। ठीक है जी, आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई। कम ऑन एवरीबॉडी, अब हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। सुनिए, अब हमने सबसे पहले सी बनाया, कितनी यूनिट बनाई सर, 2400 यूनिट। एक यूनिट सी से हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है, आप देख सकते हैं 40 रुपए, ये वाला 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन। बी से 35, ए से 45, तो 2400 × 40। बी की कितनी यूनिट बनाई है, 3200 × 35, और ए अगेन 2400 × 45। चौबीस सौ इंटू चालीस 96000 316000 टोटल आ गया, 316000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2400 × 40 × 35 और 2400 × 45। गाइस ये फिगर गलत है, टोटल आएगा 412000, 412000। ये आ गया हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन, इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड। द रिजल्टेंट फिगर इज प्रॉफिट।
240,800 ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट पूरा हो गया। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं एनीबडी। चलिए अब हम थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है वो। अ सप्लायर कम फॉरवर्ड टू सप्लाई 20,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 per kg। ठीक है जी, दिस सप्लाई इज ओवर एंड अबव द स्टॉक ऑफ 18,400 kg अवेलेबल विद द कंपनी। स्टेट whether the company should accept the entire quantity or any part of it. If not, what lowest price should be negotiated? देखिए गाइस, एक नॉर्मल सा जर्नल पार्ट एक क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमारे पास एक सप्लायर आया और उसने कहा जी देखो 18,400 kg जो आपके पास मटेरियल था ना, मैं इसके अलावा आपको 20,000 kg मटेरियल दूंगा, लेकिन वो मैं प्रॉफिट पर लूंगा ₹15 per kg। यानी हमें पता है कि हमारा पुराना रेट जो है वो ₹20 per kg है, उस पर वो 15 का प्रॉफिट है, यानी वो हमसे 1 kg मटेरियल के बदले ₹35 मांग रहा है। ठीक है जी, तो आपसे वो क्वेश्चन के दो पार्ट है। वो पहला पार्ट कह रहा है जी पहले तो आप ये बताओ कि आप उससे सारा मटेरियल खरीदोगे या कोई पार्ट खरीदोगे, और अगर आप कुछ भी नहीं खरीदो तो आप कम से कम कितने रुपए में खरीदने को तैयार हो जाओगे। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, तो क्वेश्चन का ये थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, हम जो सी है वो पूरा बना चुके, हम जो बी है वो पूरा बना चुके, लेकिन ए रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हम ए पूरा नहीं बना पाए, तो हम उससे कितना मटेरियल खरीदेंगे? हम उससे उतना मटेरियल खरीदेंगे ताकि हमारी ए यूनिट पूरी बन जाए। क्लियर है? तो उसने यही पूछा है कि द कंपनी शुड परचेज द एंटायर क्वांटिटी और एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड इज इक्वल टू, गाइस हमें ए की 6400 यूनिट चाहिए, आउट ऑफ दैट 24 हम बना चुके हैं, तो हमें कितनी और बनानी है? कम ऑन, 4000, एक यूनिट बनाने में 4 kg रॉ मटेरियल लगता है, तो हम उससे कितना मटेरियल खरीदेंगे? 16,000 kg। तो पहला पार्ट आ गया क्वेश्चन का। उसने हमसे बोला है कि आप पूरी क्वांटिटी खरीदेंगे या कुछ पार्ट, तो हमने कहा जी हम क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे पूरी, हम सिर्फ 16,000 kg रॉ मटेरियल खरीदेंगे। क्लियर है? दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है जी अगर आप उससे कुछ भी ना खरीदें तो क्या होगा? यानी अब अगर आप ध्यान से देखिए बी पार्ट में, देखिए ये बताइए जो ए है, हमें एक वर्किंग नोट बना के ये चेक करना पड़ेगा कि हम उससे, उस सप्लायर से ये 16,000 kg भी खरीदें या ना खरीदें। सर ये कैसे पता चलेगा? भाई हमें रॉ मटेरियल सिर्फ ए के लिए तो चाहिए ना, तो हम एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे ए के लिए। अगर उस रॉ मटेरियल पर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम लेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ए की बात हो रही है गाइस, इज इक्वल टू ₹140। ए की एक यूनिट हम ₹140 में बेचते हैं। अब हम इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें सबसे पहले हम लेंगे मटेरियल। एक यूनिट में 4 kg लगता है और ये 1 kg कितने में दे रहा है? ₹35 में। ₹140, उसके बाद लेबर, इसको आप वेजेस भी कह सकते हो, ₹5, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने गिवन है गाइस? ₹10। तो वेरिएबल कॉस्ट आती है ₹155। तो अगर मैं निकालूं कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट, तो आ गया 15 रुपए का लॉस। ठीक है गाइस, ओके। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि अगर हम मटेरियल 15 रुपए के प्रीमियम पे खरीद लेते हैं, तो उस केस में जब हम प्रोडक्ट ए को बेचेंगे तो हमें 15 रुपए का लॉस होगा पर यूनिट पर, और 4,000 यूनिट पर कितने का लॉस? 60,000 रुपए का। तो वो आपसे पूछ रहा है, हाँ जी आप बताइए क्या हम मटेरियल खरीदें? तो आंसर इज नो। तो अब हम इसको एडवाइस देंगे, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? कम ऑन, चलिए एडवाइस। द कंपनी शुड नॉट बाय एनी क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस सप्लायर बिकॉज इट विल गिव अ लॉस ऑफ रुपीज 15 पर यूनिट। ठीक है भाई, क्योंकि इस सप्लायर से खरीदने पर हमें पर यूनिट 15 रुपए का लॉस होगा, इसलिए हमें इसको नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वो कह रहा है जी इफ नॉट, अगर आप इससे कुछ भी ना खरीदें, व्हाट लोएस्ट प्राइस शुड बी नेगोशिएटेड? तो आप हमें ये बताओ, आप कम से कम कितने रुपए में इस सप्लायर से मटेरियल खरीद लोगे? तो पहले समझेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए गाइस, ये बताइए हमें टोटल 15 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छा जब भी आ जाए ना लोएस्ट प्राइस, तो लोएस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन। आई होप मेरी बात क्लियर है। तो हम इस सप्लायर से रॉ मटेरियल उस प्राइस पे खरीदेंगे जिस प्राइस पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। आई होप मेरी बात क्लियर है यहां तक। तो सर वो प्राइस कैसे निकाला जाएगा? बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमें ये 15 रुपए का डिस्काउंट मिल जाए, तो आप देखो इस 155 रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। अगर मैं इसमें से ये 15 रुपए लेस कर दूं, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 140। सेलिंग प्राइस भी कितना है? 140। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो बस ये हमें प्राइस निकालना है। तो देखेंगे ध्यान से, लोएस्ट प्राइस लोएस्ट प्राइस शुड बी नेगोशिएटेड इज इक्वल टू, गाइस कितने रुपए का दे रहा है? 15 रुपए, 35 रुपए माइनस, कम ऑन एवरीबडी, 15 डिवाइडेड बाय 4। सर ये क्या करा आपने? भाई हमें 15 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, कितने केजी पर? 4 केजी पर। तो 1 केजी पर कितना? तो 35 माइनस 3.75 इज इक्वल टू 31.25 पर केजी। मतलब हम 1 केजी मटेरियल 31 रुपए 25 पैसे पर खरीद लेंगे। बोलो जी बात क्लियर है? ठीक है, और इस 31 रुपए 25 पैसे पर केजी के खरीदने पर आप देखेंगे कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। गाइस आपको वेरीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला कि आप वेरीफाई करें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस,
तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप मेरे साथ साथ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 264। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 264। अगेन क्वेश्चन गाइस इन्वॉल्व की फैक्टर, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं। एमएस मास लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट, द कॉस्ट डिटेल आर एज फॉलोस। एमएस मास लिमिटेड 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी डिटेल दे रखी है हमें, प्रोडक्ट ए, बी और सी। चेक करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ए में 4 यूनिट लगता है डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट बनाने में, और 12 रुपये का है, तो हम कह सकते हैं एक यूनिट मटेरियल 3 रुपये का हो गया। सिमिलरली 5 यूनिट लगता है 15 में, 6 यूनिट 18 में। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तीनों का टोटल करें तो 25, 30, 35। वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 35 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 10, 10, 15। आई होप आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। फिर इस कॉन्ट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दिया, 20, 40, 20, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 9 लाख का, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 7.5 लाख की, तो हमें प्रॉफिट आ गया 1.5 लाख। तो अगर आप क्वेश्चन को समझे तो हमें करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द डायरेक्ट मटेरियल वर ऑल इम्पोर्टेड, जितना भी डायरेक्ट मटेरियल हम यूज करते हैं वो सारे इम्पोर्टेड है, हम सारा बाहर से मंगाते हैं। ड्यू टू फॉरन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन हैंस फोर्थ द कंपनी कैन इम्पोर्ट ओनली 3 लाख यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो कह रहा है कि सर अब क्योंकि ना फॉरन एक्सचेंज पे जो है, आई मीन जो फॉरन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन की वजह से अब हम सिर्फ कितनी यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं मटेरियल की, 3 लाख यूनिट। गाइस अगेन, जहां भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, जहां भी शॉर्टेज आ जाएगी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ की फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। एंड द कंपनी कैन प्रोड्यूस इन टोटल 1 लाख यूनिट ऑफ मैक्सिमम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। अब तीनों ए बी सी मिलाकर हम 1 लाख यूनिट बना सकते हैं मैक्सिमम। हावेवर दे कैन मार्केट ओनली 20,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सी ईच। लेकिन ए और सी की हम 20,000 यूनिट ही बेच सकते हैं। तो अंडरस्टूड है गाइस, जब हम ए की मैक्सिमम 20,000 यूनिट बेच सकते हैं तो हम बनाएंगे भी कितनी, 20,000। अरे भाई 20,000 बेच सकते हैं तो उससे ज्यादा बनाने का क्या फायदा जब वो बिके ही ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर ए की 20,000 और सी की 20,000, टोटल 40, तो हम मैक्सिमम बी की कितनी बना सकते हैं, होपफुली 60,000, क्योंकि उसने बोला है टोटल यूनिट कुड बी व्हाट, 1 लाख। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है। बिसाइड्स देयर इज अ लोकल सब्स्टिट्यूट मटेरियल विच इज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ ₹3.25 पर यूनिट। ओके, यानी क्वेश्चन कह रहा है अगर आप इंपोर्ट नहीं कर सकते मटेरियल तो लोकल खरीद लो, पर लोकल मटेरियल ₹3.25 का मिलेगा। द कंपनी हैज टू स्पेंड 50,000 ऑन इंटरमीडिएटरीज एंड कंज्यूमेबल इफ लोकल मटेरियल इज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी अगर आपने लोकल मटेरियल यूज करा तो ₹50,000 आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे इंटरमीडिएटरीज पर और कंज्यूमेबल पर। तो याद रखना, इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब कॉन्सेप्ट ये निकला कि अगर हम लोकल मटेरियल यूज करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट ₹50,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी हु वॉज विलिंग टू टेक पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन लीज अप टू 50,000 यूनिट कैपेसिटी ऑफ बी एंड विलिंग टू पे लीज चार्जेस ऑफ 2,75,000। सर इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, फिर से देखिए। हम प्रोडक्ट ए की 20,000 यूनिट बना सकते हैं, हम सी की 20,000 यूनिट बना सकते हैं 40, तो हम बी की 60,000 यूनिट बना सकते हैं मैक्सिमम। अब उसमें से एक लोकल पार्टी आई है, एक लोकल बंदा आया, उसने कहा जी आप अपना प्लांट मुझे लीज पे दे दो। सर उससे क्या करोगे आप, वो कह रहा है कि मैं बी की ना 50,000 यूनिट मैं बना के बेचूंगा और आपको मैं 2,75,000 रुपये दे दूंगा ना बनाने के। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हम बी उसे बनाने दें 50,000 यूनिट तो हमारे पास 2,75,000 आ जाएंगे, क्योंकि बाजार में डिमांड 60 की, तो हम 10,000 खुद बना सकते हैं। दैट इज व्हाट ही मीन टू से। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब हमसे क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट मिक्स पब्लिक सेल मिक्स ऑफ प्रोडक्ट विद एग्जिस्टिंग इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन। यानी वो कह रहा है जी हम लोकल मटेरियल यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उतना ही मटेरियल यूज कर रहे हैं जो इम्पोर्ट कर पाते हैं, तो आप हमें बताओ कि ए बी सी में हम कितनी क्वांटिटी बनाएं कि हमारा प्रॉफिट हो सके। यानी आप हमें ये बताइए कि आप
यानी इन शॉर्ट आप प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन बताइए। आई होप मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो गाइस अगेन क्वेश्चन किस चीज़ का है, की फैक्टर का, और की फैक्टर क्या है, रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड, ध्यान रहे। तो आपको पता है कि जब भी की फैक्टर का सम होता है तो हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, नंबर वन स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग एंड नंबर टू स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हम बनाएंगे पहले पार्ट में स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग्स कितने प्रोडक्ट हैं गाइस, तीन, ए बी सी। तो आप देखिए, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो गाइस हमें सीधा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है, चेक कर सकते हैं। ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है ₹10, बी का भी ₹10 और सी का ₹15। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमने क्वेश्चन से पिक करा। ओके, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है, की फैक्टर, तो हम यहां निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। वो कैसे निकालेंगे हम गाइस, हम इस कंट्रीब्यूशन को रॉ मटेरियल की यूनिट से डिवाइड कर देंगे। चलिए, ए में ₹10 का कंट्रीब्यूशन है और रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट लगती है, चार, देख सकते हो आप। यहाँ बी में ₹10 का कंट्रीब्यूशन है और रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट लगती है, पांच, क्लियर है। यहाँ ₹15 का और रॉ मटेरियल कितनी यूनिट लगती है, छः। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये आ गया 2.5 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट एंड अगेन 2.5 पर यूनिट, ठीक है भाई। अब हम क्या देंगे, रैंक, देखिए हाईएस्ट रैंक। अब सर यहां पर दो हैं तो हम इन दोनों को रैंक वन देंगे और बी को देंगे रैंक टू। इसका क्या मतलब निकला सर, इसका मतलब ये निकला क्योंकि ए और सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल सेम आया है, इसका मतलब ये निकला कि चाहे आप ए पहले बनाए चाहे आप सी पहले बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम दोनों को रैंक वन देंगे। और याद रखना ए और सी के बाद ही हम क्या बना सकते हैं, बी बना सकते हैं। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। चलिए, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, ठीक है गाइस। चलिए सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ध्यान रहे हम अभी लोकल मटेरियल यूज नहीं कर रहे। तो चलिए, आपको पता है कैसे बनाते हैं, पहला कॉलम हमेशा प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम यूनिट्स, तीसरा कॉलम रॉ मटेरियल यूज्ड, चौथा कॉलम बैलेंस मटेरियल और पांचवा कॉलम हमारा होगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो गाइज सबसे पहले हम बनाएंगे हाँ जी एज पर रैंकिंग, हम पहले ए बनाएंगे फिर सी बनाएंगे फिर बी बनाएंगे। अब हम ए की मैक्सिमम कितनी यूनिट बना सकते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, 20,000 यूनिट। ओके, एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता है, 4 यूनिट, तो 20,000 × 4 80,000 यूनिट्स। ध्यान रहे हमारे पास कितना मटेरियल है, 3 लाख यूनिट, तो 3 लाख - 80 2,20,000 यूनिट्स हमारे पास बच गई। अब हम सी की कितनी यूनिट बनाएंगे, 20,000, एक यूनिट बनाने में कितना लगता है सी में, 3 यूनिट, तो 20,000 × 3 60,000 यूनिट। तो बैलेंस बचा 1,60,000 यूनिट, ठीक है गाइस। अब हम बी बनाएंगे, ठीक है भाई, फिर से देख लीजिए, हम ए की कितनी यूनिट बना सकते हैं, 20,000, एक यूनिट बनाने में
चार यूनिट लगती, तो 80,000 लगी, 3 लाख में से 80,000 यूज हो गया, तो कितना बचा? 2,20,000। हम सी की कितनी यूनिट बना सकते हैं? 20,000, एक में 3 यूनिट लगते हैं तो 60,000, 2,20,000 में से 60 गए तो हमारे पास बचा 1,60,000। तो अब हमारे पास मटेरियल की 1,60,000 यूनिट है, हम इसमें कितना बी बनाएंगे? सर जितना बन जाए, तो देखिए कितना बनेगा, 1,60,000 और एक में कितना लगता है, एक मिनट गाइस, रॉ मटेरियल सी में लगती है 6 यूनिट्स, हमने लिखे 3 यूनिट, तो इसको अभी एक मिनट में हम सही कर देते हैं। बीस हजार इंटू छ, 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है भाई। तो कितनी बचेगी हमारे पास? 1,00,000 यूनिट्स ये बच गई। तो हमारे पास जो यूनिट बची हैं वो बची हुई हैं 1,00,000 यूनिट, ठीक है भाई। और बी में एक यूनिट में लगती है 5 यूनिट, तो अगेन हम बी की भी कितनी बना सकते हैं? 20,000 यूनिट। तो 20,000 इंटू 5, 1,00,000, बैलेंस इज निल, आप देख सकते हैं 3,00,000 पूरा हो गया हमारे पास, ठीक है भाई। 80,000, 2,00,000, 3,00,000। अब हमने ए की कितनी यूनिट बनाई? 20,000। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन ए से 10 रुपए, तो ये हो गया 2,00,000। सी की कितनी यूनिट बनाई? 20,000। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 15 रुपए, तो ये हो गया 3,00,000। बी की कितनी यूनिट बनाई? 20,000। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10 रुपए, अगेन 2,00,000। अगर हम टोटल कर दें तो 2 और 2 4 और 3 7,00,000, ये आ गया हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है गाइस। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर दीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए दे रखी है 7,50,000, तो गाइस 50,000 रुपए का हमें लॉस हो गया। तो ये था हमारा पहला पार्ट। उसने ये बोला है कि जी बताइए व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ प्रोडक्ट मिक्स विद एग्जिस्टिंग इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, कि यानी अगर हमारे पास इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन रहती हैं और हम लोकल मटेरियल यूज नहीं कर सकते तो हमें 50,000 रुपए का लॉस होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कम ऑन एवरीबडी, चलिए मूव टू द थर्ड पार्ट। आई होप ये क्लियर है सब लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नोट कर लीजिए अच्छे से, कम ऑन। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कहता है वेदर द कंपनी कैन ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ 1,00,000 यूनिट विद लोकल सब्स्टिट्यूट मटेरियल, यानी वो कह रहा है जी अगर हम लोकल मटेरियल यूज कर लें तो आप हमें बताइए क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी जो अभी हमारा लॉस है क्या वो प्रॉफिट में बदल सकता है अगर हम लोकल मटेरियल यूज कर ले। तो गाइस ध्यान रहे कि हम पहले इंपोर्टेड मटेरियल यूज करेंगे और फिर जो शॉर्टेज होगी उसके लिए ही लोकल मटेरियल यूज करेंगे, सबके लिए नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि हमारी रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पहले ए बनाएंगे फिर सी बनाएंगे और फिर बी बनाएंगे और जितनी यूनिट की शॉर्टेज पड़ेगी वो लोकल मटेरियल यूज कर लेंगे, ठीक है गाइस। चलिए तो हम यहां बनाएंगे सीधा सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा ए, एक काम करते हैं अभी से,
इसको फिर से देखिए जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पहला कॉलम प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम यूनिट्स, तीसरा कॉलम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और चौथा टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके, प्रोडक्ट ए सी और बी। हाँ जी, ए की कितनी यूनिट? 20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये, आप देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपये। सी की कितनी यूनिट? मैक्सिमम 20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 रुपये। अब बी सर, अब बी दो बार बन रहा है, एक बार लोकल मटेरियल से और एक बार इंपोर्टेड, तो सर इंपोर्टेड मटेरियल से तो 20,000 ही बनेगा। फिर से बी कितना बना सकते हैं हम? बी मैक्सिमम 60,000, जिसमें से 20,000 तो इंपोर्टेड से बन गया, तो हम लोकल मटेरियल यूज करके कितना और बनाएंगे? 40,000। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई आपको। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपये, बट सावधान, जब आपने 40,000 यूनिट बनाई तो आपने लोकल मटेरियल यूज करा, लेकिन जो लोकल मटेरियल है ना वो हमें 3 रुपये 25 पैसे का पड़ा है। कितने का पड़ा है? 3 रुपये 25 पैसे पर यूनिट, 25 पैसे ज्यादा पड़ा है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो जब हम लोकल मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, हम एक बनाएंगे वर्किंग नोट बी के लिए, लोकल मटेरियल। देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है बी का? 40 रुपये माइनस मटेरियल। ध्यान से देखना, बी में मटेरियल की 5 यूनिट लगती हैं, 1 यूनिट 3 रुपये 25 पैसे की है। तो 16 रुपये 25 पैसे का मटेरियल लग गया, लेबर 6 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बी में 9 रुपये, कुछ और तो नहीं है गाइस। तो 16.25 + 6 + 9, तो 31.25 वेरिएबल कॉस्ट हो गई, माइनस 40, तो 8.75 रुपीज का आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सावधान, इसका मतलब ये निकला गाइस कि अगर आप लोकल मटेरियल यूज करोगे तो बी में आपका कंट्रीब्यूशन जो पहले 10 आ रहा था इंपोर्टेड मटेरियल पे, अब वो 8 रुपये 75 पैसे होगा। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर है। क्यों? क्योंकि मटेरियल 3 रुपये का नहीं, 3 रुपये 25 पैसे का मिल रहा है एक यूनिट, तो 5 यूनिट लग रही है 16 रुपये 25 पैसे, लेबर 6 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9 रुपये, इनमें कोई चेंज नहीं आया, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 31 रुपये 25 पैसे। और ध्यान रहे, लोकल मटेरियल यूज करने के बाद भी आप सेलिंग प्राइस थोड़ी बढ़ा रहे हो, तो सेलिंग प्राइस 40 ही रहेगा। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन 8 रुपये 75 पैसे होगा, 10 रुपये नहीं होगा अगर हम लोकल मटेरियल यूज करते हैं। आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। चलिए वापिस आ जाते हैं कि 40,000 यूनिट हमने लोकल मटेरियल से यूज की है, तो यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 8.75। ठीक है, अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। 20,000 × 10 2 लाख रुपए, 20,000 × 15 3 लाख रुपए, 20,000 × 10 2 लाख रुपए, एंड नाउ 40,000 × 8.75 ये हो गया 3,50,000 रुपए। टोटल कर दें तो आ जाता है टोटल कंट्रीब्यूशन 350 + 2 लाख + 3 लाख +
2 लाख, 10 लाख, 50 हज़ार का टोटल कंट्रीब्यूशन। अब आप इसमें से गाइस लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। सावधान, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, आप देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट 7,50,000, बट क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर आप लोकल मटेरियल यूज करोगे तो फिक्स कॉस्ट 50,000 से बढ़ जाएगी। कम ऑन एवरीबॉडी, तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाती है, कम ऑन, 50,000 बढ़ा दे तो फिक्स कॉस्ट हो जाती है हमारी 8 लाख रुपए। तो नाउ वी हैव द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000 रुपीज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम लोकल मटेरियल यूज करते हैं तो जो हमें लॉस हो रहा था ना यूज करने पर 50,000 का, अब वो हमारा 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। दैट वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है गाइज, कहीं कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। कम ऑन एवरीबडी, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट। वो कह रहा है वेदर द कंपनी कैन एनहांस प्रॉफिट बाय लीजिंग आउट पार्ट ऑफ द प्लांट टू द थर्ड पार्टी एंड रिस्ट्रिक्टिंग इट्स ओन प्रोडक्शन। ठीक है जी, अच्छा लेट मी टेल यू, बुक में आंसर 150 लिखा हुआ है जो कि गलत है। द राइट आंसर इज 2,50,000, एज यू कैन सी दिस इज द राइट आंसर। ओके, तीसरे पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम जो प्रोडक्ट बी है वो खुद ना बनाए, वो लीज पर दे दें और बदले में 2,75,000 लें, तो क्या ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं, तो ये हमें बताना है। चलिए गाइस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो अगेन हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, सिंपल, अगेन प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्ट ए सी बी, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ए का था 10 रुपये। एक मिनट गाइस, फिर से देखिए एक बार जरा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पहला कॉलम प्रोडक्ट, दूसरा कॉलम यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और ये आ गया टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, फिर से ए सी और बी, यूनिट कितनी 20,000, यूनिट कितनी 20,000। अब सावधान, हम बी की 60,000 यूनिट बना सकते हैं पर हमने 50,000 तो उसे बनाने के लिए दे दी, तो हम खुद कितनी बनाएंगे 10,000। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। एक और, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपए, 15 रुपए, यहां 10 रुपए। गाइस अब हम लोकल मटेरियल यूज ही नहीं कर रहे, अरे भाई हम इंपोर्टेड मटेरियल यूज करके 20,000 यूनिट बनाते हैं, अब तो हमें सिर्फ 10 बनानी है ना, इज दैट क्लियर, तो हम केवल इंपोर्टेड मटेरियल यूज करेंगे। ठीक है, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख। अब ध्यान रहे, जब हम उस थर्ड पार्टी को बनाने के लिए देंगे तो वो हमें कितने दे रहा है, 2,75,000 रुपए। चेक कर सकते हैं आप, क्वेश्चन में गिवन है। तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 और 3, 5, 6 और 2, 8, 8,75,000 रुपए हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया इस बार। अब हम इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। गाइस क्या आपने लोकल मटेरियल यूज किया, आंसर इज नो, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी अब, 7,50,000। तो अब हमें प्रॉफिट हो गया 1,25,000 का, ये है प्रॉफिट। ठीक है जी,
उसने हमसे पूछा है वेदर द कंपनी कैन एनहांस द प्रॉफिट बाय लीजिंग आउट। क्या कंपनी अगर 20,000 प्रोडक्ट बी कि 50,000 यूनिट थर्ड पार्टी को बनाने दे तो क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। आप खुद देख सकते हैं जो प्रॉफिट हमारा 2.5 लाख था अब वो घटकर कितना हो गया? 1.25। तो हम कंपनी को एडवाइस क्या देंगे? द कंपनी शुड नॉट लीज आउट प्रोडक्ट बी एज इट डिक्रीजेस द कंपनीज प्रॉफिट। खत्म बात। तो आप एडवाइस लिख दीजिए, लिखिए द कंपनी शुड नॉट लीज आउट प्रोडक्ट बी टू द थर्ड पार्टी एज द कंपनी शुड नॉट लीज आउट द प्रोडक्ट बी टू द थर्ड पार्टी एज इट डिक्रीजेस द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम 2,50,000 एज इट डिक्रीजेस द कंपनीज प्रॉफिट फ्रॉम 2,50,000 टू 1,25,000। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये मेरे बात समझ में आई होगी। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। ठीक है गाइस, चलिए।